क्या पाकिस्तान में टिकटॉक एड्स नहीं चला पा रहे? तो आज इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं कि आप पाकिस्तान से टिकटॉक एड्स किससे चला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपने मेरे वीडियो टाइटल से तो अंदाजा लगा लिया होगा। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स जंप राइट इनटू माय स्क्रीन। तो जैसा आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान में टिकटॉक एड्स बैन है, और आप ना पाकिस्तान से टिकटॉक एड अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं ना टिकटॉक एड्स रन कर सकते हैं। और बहुत से लोगों का सवाल होता है कि हम टिकटॉक एड्स किस तरह रन कर सकें। स्पेशली मुझसे भी बहुत लोगों ने पूछा है कि हम टिकटॉक एड्स पाकिस्तान से किस तरह रन कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में यही सोल्यूशन मैं आपको लोगों को प्रोवाइड करूँगा कि आप किस तरह एड्स रन कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में एड चलाने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले टिकटॉक एजेंसी अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। और यह कि आज मैं आपको यह सिखाऊंगा कि आप टिकटॉक एजेंसी अकाउंट किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास दो तरीके होते हैं कि टिकटॉक एजेंसी अकाउंट क्रिएट करने के। एक तो है कि आप थ्रू टिकटॉक क्रिएट करते हैं, जिसका मैं इन डेप्थली नेक्स्ट स्टेप में अभी जाऊँगा। और सेकंड है कि आप एजेंसी अकाउंट बाय करें किसी थर्ड पार्टी से। तो ये भी मैं तरीका बताऊंगा। कुछ थर्ड पार्टी कंपनीज हैं जो आपको प्रोवाइड करती हैं एजेंसी अकाउंट, जो आप बाय कर सकते हैं और उसके थ्रू आप एड्स रन कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है आपका कि एजेंसी अकाउंट थ्रू टिकटॉक, कि आप एजेंसी अकाउंट टिकटॉक के थ्रू आप किस अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, मैं पॉइंट रीड करने से पहले, उसको समझाने से पहले मैं आपको एक चीज रिकमेंड करूंगा। ये जो पॉइंट समझाने का है वो मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप इसके इस प्रोसेस के थ्रू जाएं और पाकिस्तान में एड रन करें, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये जस्ट फॉर द नॉलेज मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसको अप्लाई करने का आपको बहुत से कॉस्ट बेयर करने पड़ेंगे और मैं नहीं चाहता कि आप वो कॉस्ट बेयर करें, उसके बाद जाके एक हायर कॉस्ट बेयर करें और उसके बाद जाके आप एक एजेंसी अकाउंट दें। तो ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज है, आपको जस्ट एक नॉलेज हो, आपको पता हो कि एक एजेंसी अकाउंट किस तरह क्रिएट होती है, ताकि कोई भी इंटरनेशनल क्लाइंट आपके पास आए और या कोई एडवर्टाइजर कंपनी आपसे अप्रोच करे या कोई भी ब्रांड, तो आपको पता हो कि किस तरह एजेंसी अकाउंट क्रिएट होती है। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, आपको टिकटॉक एजेंसी अकाउंट के लिए आपको ये तीन क्राइटेरिया लाजमी मीट करने हैं अगर आपको एजेंसी अकाउंट चाहिए थ्रू टिकटॉक। तो सबसे पहले आपको आपका मार्केटिंग एजेंसी ओनर होना जरूरी है, या किसी ब्रांड के ओनर का होना जरूरी है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये है कि आपको आपने बिफोर आपने एड्स रन किए हो, ऐसा ना हो कि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, ठीक है। और जो थर्ड पॉइंट है वो आपने स्पेंड है कि आपने 20 से 30 हज़ार डॉलर अमाउंट स्पेंड किए हो एड्स पे। तो ये जो तीन क्राइटेरिया हैं ये मस्ट हैं, और इसके अलावा भी हो सकते हैं और पॉइंट्स, बट जो ये मेन क्राइटेरिया हैं जो टिकटॉक के जैसे अकाउंट में आपको हेल्प करेंगी, ये आपके ये तीन आपके मेन पॉइंट। जैसे ही आप ये पॉइंट मीट करते हैं तो उसके बाद फिर आपको इन चीज़ों को फॉलो करना होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि कॉन्टैक्ट कस्टमर सपोर्ट, आपको सपोर्ट के थ्रू आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, इससे पहले मुझे एक चीज़ आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि आपको ये मेक श्योर करना है कि अगर ऑब्वियसली कोई मार्केटिंग एजेंसी ओनर होगा, कोई कंपनी ओनर होगा, तो उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे कि बिजनेस लाइसेंस होगा, सारे मतलब एड्रेसेस होंगे, लाइसेंस नंबर होगा, टैक्स का होगा, सब ए टू जी जो भी बिजनेस से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सब होंगे। तो वो भी मेक श्योर करें, वो अटैच करें अपने अकाउंट में, ताकि आप जब सेल रिप्रेजेंटेटिव के पास जाएं तो आप उनको बता सकें कि हाँ, हमने जो भी बिजनेस डिटेल है हमने अटैच हम कर चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको सबसे पहले कस्टमर सपोर्ट के पास जाना पड़ेगा, ठीक है, उनको बताना पड़ेगा कि हमें एजेंसी अकाउंट के लिए अप्लाई करना है। तो उसके बाद आपको कस्टमर सपोर्ट या सेल रिप्रेजेंटेटिव वो आपको ऑनबोर्डिंग फॉर्म देगा। आपको ऑनबोर्डिंग फॉर्म मैं आपको नेक्स्ट टाइम में भी दिखाऊंगा किस तरह का होगा एग्जांपल के तौर पे, ताकि आपको एक आईडिया हो जाए। बाकी उसमें आपको सारी डिटेल्स अवेलेबल होंगी, कंपनी का नाम, कितना स्पेंड, सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल होगा और वो आपको फिल आउट करनी पड़ेंगी। वंस आपने वो सारी चीज़ें डेटा आपने फिल आउट कर दी, उसके बाद आपको सबमिट करना पड़ेगा और 24 to 48 hours लगेंगे उसको अप्रूव करने के लिए। अच्छा, जो ऑनबोर्डिंग फॉर्म होगा वो जस्ट लाइक इस तरह का होगा, और ये टॉप है उसका, जो टॉप सेक्शन है। और वैसे वो पूरा फॉर्म मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि वो एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है। और ये है कि जस्ट आपको आइडिया
कि आप आपको एक आइडिया हो कि किस तरह का फॉर्म होता है, तो उसका जो टॉप सेक्शन होगा वो इस तरह का होगा। अच्छा, सेकंड मेथड टिकटॉक एजेंसी अकाउंट क्रिएट करने का, और सबसे हाईली रिकमेंडेड मेथड जो कि मैं अपने जो व्यूअर्स हैं उनको मैं रिकमेंड करूँगा जो पाकिस्तान में रहते हैं कि वो इस मेथड को इसको फॉलो करें, सिर्फ फर्स्ट को नहीं, क्योंकि वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज था कि आपको नॉलेज हो, क्योंकि उसको आप उसके थ्रू अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको एक बहुत से कॉस्ट बेयर करने पड़ी, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता आप वो कॉस्ट बेयर करें, तो एक आसान तरीका है जो जिसके जरिए आप कर सकते हैं। एक्चुअली कुछ कंपनीज हैं जो कि टिकटॉक एजेंसी अकाउंट ऑफर करती हैं कि आप उन्होंने ऑलरेडी एजेंसी अकाउंट बनाए हुए हैं और वो आपको अकाउंट्स आपको मतलब कि सेल आउट करते हैं कि ये अकाउंट हमसे परचेज करें, ठीक है। तो जो दो कंपनीज हैं, टॉप ऑफ द टू कंपनीज जो कि ऑफर करती हैं, एक तो है इकॉम्बी मीडिया और सेकंड है जैक ऑफ डिजिटल। अच्छा, जो मैंने पर्सनली यूज़ किया है, जो क्लाइंट को भी मैंने रिकमेंड किया है, वो है इकॉम्बी मीडिया, और ये मैंने पर्सनली यूज भी किया है। तो अगर किसी को रिकमेंडेशन चाहिए तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि इकॉम्बी मीडिया ही यूज़ करें, क्योंकि ये मैंने पर्सनली यूज़ किया। अच्छा, फिर एक सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल होगा कि ऑब्वियसली कोई तो फ्री में तो देगा नहीं अकाउंट, कुछ ना कुछ चार्ज तो करेंगे, तो जो चार्जेस है वो क्या है। अच्छा, जो उसके जैसे इकॉम्बी मीडिया मैंने यूज़ किया हुआ है, तो उसके जो चार्जेस है वो लोग चार्ज करते हैं 3% ऑफ द एड स्पेंड, ठीक है। मतलब जो भी आप स्पेंड करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने $500 आपने स्पेंड किए हैं, तो वो $500 का 3% लेंगे, ठीक है। तो इस तरह का जितना आप स्पेंड बढ़ाते रहेंगे उतना वो मतलब 3% लगता रहेगा। अगर आपने $100,000 की स्पेंड कर दिए तो वो 3% उसमें से ले लेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो सेकंड कंपनी है जैक ऑफ डिजिटल, टू बी ऑनेस्ट पर्सनली इसको मैंने यूज़ तो नहीं किया, ना कभी किसी को रिकमेंड किया है, क्योंकि इकॉम्बी मीडिया बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है। जब आप इनकी वेबसाइट पर जाएंगे तो सामने ही प्लान अवेलेबल होगा और आप आराम से प्लान परचेज करेंगे और जस्ट बिजनेस की डिटेल्स डालेंगे और आप विद इन 5 मिनट्स आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। जबकि जो जैक ऑफ डिजिटल है, तो आप अगर इसकी उनकी वेबसाइट पर जाएंगे तो इनके एज सच कोई प्राइसिंग नहीं है कि वहाँ पे आपको प्राइसिंग वगैरह आपको दिखाया जाए कि क्या प्राइसिंग है। आपको इनको ईमेल के थ्रू कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा कि मुझे एक एजेंसी अकाउंट चाहिए, ये एक एजेंसी पार्टनर है, टिकटॉक पार्टनर है एक्चुअली, तो ये फिर आपको उस हिसाब से फिर आपको कमीशन परसेंटेज भी बताएंगे क्या प्राइसिंग होगी। आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे लास्ट में क्लिक करेगा ताकि हर अपलोड करता वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक यू।